एक ऐसी मछली जो पानी से बाहर निकलते ही बन जाती है बॉल, एक ऐसी लड़की जो धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है, लेकिन क्यों? और ये कैफे जहाँ माहौल बिल्कुल कार्टून जैसा है, लेकिन ये कैफे आखिर है कहाँ? और एक ऐसा प्लांट जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, पफर फिश। एक ऐसी मछली है जो पानी के अंदर तो नॉर्मल रहती है, लेकिन पानी से बाहर निकालते ही एक बॉल का शेप ले लेती है। और हैरानी की बात यह है कि अगर इसे दोबारा पानी में डाल दे तो ये बाकी मछलियों की तरह तैरने लगती है। यार ये तो वही कविता हो गई है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो बॉल बन जाएगी। फैक्ट नंबर 14, मिले जरा छत्तीसगढ़ के रहने वाली ये 9 साल की राजेश्वरी से। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है जिससे उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा है, और इसे मेडिकल टर्म में इचोसिस हास्ट्रिक्स कहा गया है। इस बीमारी में रोगी की स्किन पे एक पत्थर जैसी परत जम जाती है। हालांकि ये बीमारी फैलने वाली नहीं, लेकिन अब तक इसका कोई इलाज भी नहीं बता सका। एक स्पेशलिस्ट ने ये बताया कि इसके सिम्टम्स को कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको कार्टून देखते देखते कभी ऐसा लगा, यार काश मैं भी इसमें रहता? अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, साउथ कोरिया के सियोल में एक ऐसा कैफे है जिसके अंदर घुसते ही बिल्कुल कार्टून जैसी फीलिंग आने लगती है। इस कैफे को अंदर से इतनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है कि इसमें जाने वाला हर आदमी अपने बचपन के यादों में खो ही जाता है। फैक्ट नंबर 12, आपने कैसे कैसे रोबोट देखे हैं, ह्यूमन रोबोट, एनिमल रोबोट, कार रोबोट, पर अब मैं आपको एक प्लांट रोबोट के बारे में बताने जा रहा हूँ। MIT मीडिया लैब की हरप्रीत सरीन और पैटी मेस ने मिलकर एक प्लांट रोबोट बनाया है जिसका नाम है इलोवैन। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये कभी भी अंधेरे में नहीं रहता। इस प्लांट रोबोट को जहाँ भी रोशनी दिखती है वो वहाँ खुद ही खुद चला जाता है लाइट की ओर। फैक्ट नंबर 11, जरा इस फोटो को देखिए, इसे देख के आपको क्या लगता है, 8 पैरों वाली पक्षी? जी नहीं, आम पक्षियों की तरह इसके भी 2 ही पैर हैं। ये बाकी के पैर इसके बच्चे के हैं, जो कि इसके फेदर्स में छिपे हुए हैं। जब ये पक्षी अपने आसपास कोई खतरा महसूस करती है तो वो अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, जिसे देखने वालों को लगता है कि इसमें कोई सुपर पावर है। वैसे सुपर पावर तो है हर पेरेंट्स की तरह इसमें भी, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये पक्षी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के फ्लोटिंग आइलैंड पे पाई जाती है। फैक्ट नंबर 10, हम सब ने फिल्मों में देखा है हीरो या विलन को गोली मार के ताला तोड़ते हुए, लेकिन रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। असल में एक ताले की शक्ल को आयरन से बनाया जाता है और वो काफी मोटी होती है, उसको हम इतनी आसानी से गोली मार के नहीं तोड़ सकते। फैक्ट नंबर 9, हम सभी किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेरिस का ग्रेविन वैक्स म्यूजियम, जहाँ बड़े बड़े लोगों की वैक्स स्टैचू बनी है, और साथ ही साथ 4 ही ऐसे इंडियंस हैं जिनकी स्टैचू ग्रेविन वैक्स म्यूजियम में बनी है। उनका नाम है महात्मा गांधी, ऐश्वर्या राय बच्चन और रणवीर सिंह जैसे लोगों की। फैक्ट नंबर 8, आप में से लगभग सभी लोग धृतराष्ट्र के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, जो कि अंधे थे पर फिर भी उनको राजा बनाया गया था, लेकिन वो ठहरी महाभारत की युग की बात। क्या कलयुग में ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, इंडिया हैदराबाद के बुलाट इंडस्ट्री का CEO अंधा है, श्रीकांत बोला, जो कि एक MIT ग्रेजुएट है। ये दुनिया के एक सबसे पहले अंधे आदमी है जो किसी कंपनी के CEO है। कहा जाता है कि इन्हें IIT ने इन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन ऐसे इंस्पिरेशनल आदमी के लिए लिफ्ट तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, 5 रुपए के कॉइन में हम सब ने ये लाइंस नोटिस की होंगी, पर आप जानते हैं कि ये क्यों होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में 1792 में USA में कॉइनेज एक्ट लागू किया गया था, जिसके बाद वहाँ पर 10, 5 और $1.5 की कॉइन बनाए गए थे। 10 और $5 के सिक्के $1.5 के सिक्के से बड़े होते थे, और कहा जाता है कि वहाँ के लोग कॉइन्स से सेविंग करने लगे थे, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इन कॉइन्स के साइड में ऐसे लाइंस बनाने की शुरुआत की, और तब से कॉइन्स में ऐसे लाइंस बनने लगे। कॉइन्स से सेविंग मतलब लोग पहले भी ऐसे जुगाड़ लगाया करते थे। बाद में इंडिया में भी फेक करेंसी पकड़ने के लिए हर कॉइन पे अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाने लगे। फैक्ट नंबर 6, कि आपने भी मेरी तरह कभी पत्थर पे जय श्री राम लिख के पानी में डालकर देखा है कि वो तैरते हैं या नहीं? मेरे पत्थर तो नहीं तैरे, शायद मैंने सच्ची श्रद्धा नहीं दिखाई, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है। साइंटिस्ट की माने तो जो पत्थर उस समय राम सेतु में बनने में यूज हुए थे वो शायद प्यूमाइस पत्थर थे। प्यूमाइस पत्थर एक ऐसे पत्थर है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस पोर्स में गैस के पैकेट भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट करते हैं, और शायद यही कारण रहा होगा उस वक्त इस पत्थर को बनाने का। और ये पत्थर आज भी मौजूद है।
हैं और वो पानी में अब भी फ्लोट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अब तक अपनी लाइफ में कितनी महंगी पेन यूज की है? मैंने 25, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये जो पेन है इसकी कीमत है 11 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 11 करोड़ रुपए। कृपया अब मुंह बंद कर ले और सुन ले क्या है इस पेन में जो ये इतनी महंगी है। ये है अरोरा डायमंड पेन। ये पेन 30 कैरेट प्लेटिनियम से बना है जिसमें 18 कैरेट गोल्ड भी मिला हुआ है। इसके नेम रोडियम के हैं और इस पेन को एक इटालियन कंपनी बनाती है। और इस पेन की खास बात ये है कि आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। वैसे लेगा कौन इसको? फैक्ट नंबर 4, प्लाया डेल अमोर यानी आइलैंड ऑफ लव, इसे सीक्रेट आइलैंड भी कहा जाता है। आइलैंड मेक्सिको के कैबो सैन लुकास में है और जिसको इसके बारे में पता है वही यहां तक जा सकता है। लेकिन नेचर की खूबसूरत तो देखिए दोस्तों, क्या आप इस जगह पे रहना चाहते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जो हेडफोन्स पहनकर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? अरे रुकिए, गूगल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 1910 में नथानिएल बाल्डविन नाम के एक इंजीनियर ने हेडफोन्स को इन्वेंट किया था जो बिल्कुल आज के हेडफोन्स की तरह दिखता था। फैक्ट नंबर 2, मिले सोची नगोची से, ये हिस्ट्री के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने अपने स्पेस में उगे मूली खाए थे। दरअसल नासा के एस्ट्रोनॉट ने ये मूली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी में उगाए थे ताकि फ्यूचर में अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में अगर फंस जाए तो वो बचने के लिए सब्जियां उगा के खा सके। लास्ट नंबर 1, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की उम्र कितनी हो सकती है? 40, 45 या 30? लेकिन आज मैं आपको ऐसे एक बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। मिलिए जरा आयान कुरैशी से। ये एक ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो सिर्फ 5 साल के हैं। जी हाँ, 5 साल। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले आईटी टेक्नीशियन एग्जाम को पास करके ये उपाधि पाई है और इन्हें नाम दिया गया है यंगेस्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना।